हरिओम नारायण हरी आप सब लोगों का मेरे YouTube चैनल मैत्री टैरोट रीडिंग में हार्दिक स्वागत है, सकारात्मक रूप से स्वागत है। आप लोग स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड हम निकल के जा रहे हैं बहुत आज। चलिए देखते हैं कि आज रीडिंग में क्या आता है। जय माँ के चरणों में प्रणाम करके ही मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। कार्ड ले लेते हैं फिर हम आगे चलते हैं। रीडिंग शुरू करते देखिए, पहला कार्ड बहुत सुंदर आया है और वो आया है रिकवरी। मतलब ये कि आप जिस चीज में उलझे हुए थे, जिस परेशानी में थे, या कोई आपका हेल्थ इशू था, क्योंकि हेल्थ इशू भी हो सकता है, कोई आपका अगर हेल्थ इशू था तो आप रिकवरी पा रहे हैं। अब आप रिकवर कर रहे हैं। और अगर आपको कोई फाइनेंशियल लॉसेस हुए थे, क्योंकि ये कार्ड जो है रिकवरी वाला बहुत सी चीज़ों को बता रहा है, क्योंकि जब भी हम कार्ड अपने सामने लेते हैं तो वो मल्टीपल आंसर्स देते हैं, तो हम एक कार्ड का अगर हर तरीके का आंसर देने लगेंगे तो बाकी रीडिंग रह जाएगी। इसलिए रिकवरी में आपका अगर फाइनेंशियल लॉस हुआ था उसकी भी रिकवरी है, अगर आप हेल्थ वाइज परेशान थे उसकी भी रिकवरी है, अगर आपका कोई रिलेशन छूट गया था या कोई नाराज़गी हो गई थी उसकी भी रिकवरी है, उसकी भी रिकवरी है। और आप एक बड़ा सुकून भरा समय अब देखने वाले हैं आने वाले दिनों में। मैं आपको बताऊं, ये कार्ड आया है रिकवरी, फर्स्ट कार्ड। रिकवरी के नीचे क्या आया है? प्रेयर। रिकवरी के, ये रिकवरी और उसके नीचे प्रेयर। रिकवरी कैसे संभव हुई? आपकी प्रार्थना से, आपके मैनिफेस्टेशन से। आपने इसके लिए प्रार्थना की, अपने ईष्ट के आगे प्रणाम किया, उसी ढंग से आपने ध्यान किया, मेडिटेशन की, मैनिफेस्ट किया, अफर्मेशन की होंगी, उसका एडिट रिजल्ट क्या आ रहा है? रिकवरी। देखिए कैसे कार्ड सही बताते हैं बिल्कुल। हाँ, कई लोग मेरे से कहते हैं कि हमें टैरो पे विश्वास नहीं है, ज्योतिष पे विश्वास नहीं है। बहुत अच्छी बात है, उसमें अगर आपको अपने पर भी विश्वास है, आप अपने तक पहुंचे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप सही तरीके से काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, नो प्रॉब्लम, मत करिए विश्वास। जरूरी नहीं है, हर इंसान का अपना एक फेथ होता है, तो कभी किसी के फेथ के ऊपर हमें हाथ नहीं रखना चाहिए। तो जो ये ऐसा कहते हैं मैं उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अच्छी बात है। लेकिन वो लोग जो टैरो पे विश्वास नहीं करते हैं वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये भी बड़ी मजे की बात है कि व्यूअर्स ऐसे हैं कि मेरे से साफ फ़ोन पे बात करेंगे तो कहेंगे कोई माताजी कहता है, कोई दीदी कहता है, हम तो आप पे भरोसा करते हैं, आप एक बार ये बोल दो तो हो जाएगा वो। अब मैं कहती हूँ कि मेरे बोलने से नहीं, आपका कर्म भी तो होना चाहिए, आपकी वैसी अंदर की भावना भी तो होनी चाहिए, आपकी वो भावना और मेरे दिल से निकला आशीर्वाद जब दोनों मिलेंगे तो स्वतः बात बन जाएगी। खैर ये तो एक वैसे लाइट मूड करने के लिए बात की मैंने। हरिओम, आगे चलते। देखिए अगला कार्ड ये कह रहा है कि अभी रिकवरी चल रही है ना आपकी, रिकवरी के प्रोसेस में है ना आप, तो उसमें आपके साथ क्या हो रहा है? उसमें आपके साथ ये हो रहा है कि आप किसी समय फेडअप हो जाते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं।
आप में नेगेटिविटी आ जाती है, ऐसा मत होने दीजिए, ऐसा मत होने दीजिए, नेगेटिव मत रहिए। आपको लगता है कि नहीं रास्ता बड़ा पथरीला है, पानी भी नहीं है, जैसे वो होता है ना डेजर्ट होता है और बड़ा पथरीला सा रास्ता होता है, पानी भी नहीं मिलता, इंसान थक जाता है चढ़ाई चढ़ते चढ़ते, वो पठार से देखते देखते, पहाड़ नहीं पठार की बात कर रही हूँ, पेड़ भी सूखे से होते हैं, उन पर हरियाली नहीं होती है, तो इस तरह की कई दफ़े आपके अंदर भावनाएं आती हैं ना। ऐसा ना सोचिए, इन भावनाओं को अपने मन से निकाल दीजिए और अपने को बहुत अच्छे ढंग से रिकवरी के प्रोसेस में ही रखिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेगेटिव विचारों को अपने मन में मत आने दीजिए, क्योंकि जब भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, तब प्रभु का स्मरण करिए, तब अपना गुरु मंत्र करिए। जब भी नेगेटिव थॉट्स आए, जहाँ बैठे हुए हैं वहाँ से उठिए, पानी पीजिए, थोड़ा सा मीठा लीजिए, फिर पानी पीजिए और थोड़ा अपने अंगड़ाई दीजिए, अपने शरीर को फ्रेश करिए, फिर देखिए आप नेगेटिविटी से बाहर आ जाएंगे, फिर आप अपने प्रोसेस में आ जाएंगे काम के, जिस काम को आप कर रहे हैं। करके तो देखिए, ये बहुत ऐसा उपाय मैंने आपको बताया है जो आपको बड़ी राहत देगा। हाँ, अगला कार्ड ये कह रहा है कि आप बहुत आस्थावान हैं, बहुत निष्ठावान हैं और अपने पेरेंट्स के ऊपर बहुत आस्था रखते हैं, उनका बहुत सम्मान करते हैं, और ऐसा कार्ड से लग रहा है कि आप रोज सुबह उठ के उनके चरण स्पर्श करते हैं, करना भी चाहिए और यही चीज़ आपको आगे के रास्ते में एक आशीर्वाद के रूप में हमेशा आपके साथ रहेगी, इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी, क्योंकि आशीर्वाद एक ऐसी चीज़ है, ब्लेसिंग्स ऐसी चीज़ हैं, अगर कोई सच्चे मन से दे दे तो वो इस जीवन में तो रहती हैं, हमारा जब जीवन यात्रा समाप्त होती है आगे भी हमारे काम आती हैं, आगे भी वो ब्लेसिंग्स काम आते हैं। हम अब ये वाइस वर्सा है, कैसे, दोनों तरफ से काम करता है। मान लीजिए पेरेंट्स नहीं रहे, तब भी उनकी ब्लेसिंग्स काम करेंगी जीवन भर जब तक हम यहाँ पर हैं, और जब हम इस अपने जीवन यात्रा से जाएंगे तब भी हमारे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमारे साथ हैं। इसीलिए कहते हैं सत्कर्म कीजिए, सतगति होगी, और अगर हमें कोई भी आशीर्वाद दे रहा है तो वो जरूर फलीभूत होगा और वो जीवन भर के लिए फलीभूत होता है। वो टाइमिंग मत समझिए। तो आप अपने गुरु का, अपने इष्ट देव का, अपने कुल देवता देवी या जो भी आप मानते हो, आप उन सब लोगों उन सब में बहुत आस्था रखते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अपनी आस्था को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन सुखद और सरल और सुगम हो जाएगा। अगला कार्ड कह रहा है कि ये जो रिकवरी का पीछे का टाइम आपने स्पेंड किया है ना, रिकवरी से पहले का जो टाइम आपने स्पेंड किया है ना, कई दफ़े उस टाइम को याद करके आप अपने में कुछ गिल्ट फील करते हैं। ना ना ना, ना गिल्ट मत फील करिए, बिल्कुल नहीं। वो एक दौर था, वो एक ऐसा टाइम था, वो हमारा कोई पिछला प्रारब्ध का कर्म था जिसको हमने भोगा है, उसमें आप किसी भी तरह का अपना कोई गिल्ट मत लीजिए, बिल्कुल ना लीजिए, क्योंकि ये जीवन प्रारब्ध के रूप में हमें भोगने के लिए मिला है ना। तो इस जन्म का कर्म अच्छा करें तो अगले जीवन का प्रारब्ध अच्छा होगा, ठीक है। तो आप कोई गिल्ट में मत रहें, अपने गिल्ट को अपने मन से निकालते हैं, कभी भी नेगेटिविटी में मत जाएं। कभी कभी मैंने कहा ना फेड अप हो जाते हैं, कुछ आपको गिल्ट सताने लगता है, ना ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु के चरणों को अर्पित करिए, सब अपने गुरु को अर्पित करिए, फिर देखिए अपने अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश, एक नई उमंग के साथ, रोज़ नई सुबह होती है, नया दिन होता है, जो सांस हम ले लेते हैं, जो दिन हम बिता देते हैं, वो कभी लौट के नहीं आता है, तो फिर हम पीछे की बात सोच करके आज को क्यों खराब करें, समझ रहे हैं आप। तो अगला कार्ड मैंने प्रेयर का बता ही दिया आपको, मैं उससे आगे और चलूं, मेरी आपसे एक निवेदन है, मेरा एक दूसरा
चैनल है वो स्पिरिचुअल चैनल है, आध्यात्मिक चैनल है, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री। आप मेरे उस चैनल को भी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों को मार्गदर्शन मिल सके, लोगों की भ्रांतियाँ दूर हो सके, कोई कहीं भटका हुआ है, अटका हुआ है, तो उसे मार्ग मिल सके। तो मेरे उस चैनल को, स्पिरिचुअल वॉक विद मैत्री को, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, नारायण हरि। अगला कार्ड है एनलाइटमेंट का, बहुत बढ़िया। प्रेयर ऊपर रिकवरी, नीचे प्रेयर, प्रेयर के साथ एनलाइटमेंट। आपने जो प्रार्थना की, जो प्रेयर की, क्योंकि जो प्रेयर का कार्ड बीच में आ रहा है, तो ये कई तरीके की एक्सप्लेनेशन इससे आ रही है, इससे कई तरीके की बात सामने आ रही है। तो जो ये प्रेयर का कार्ड आया है, इसमें आया अगला एनलाइटमेंट, कि आप जैसे जैसे आप प्रेयर कर रहे हैं, जैसे जैसे आपकी रिकवरी हो रही है, आपको अपने अंदर एक ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके साथ ईश्वरीय आशीर्वाद है। आपको एक नई ऊर्जा, एक नई जोश, अंदर से एक सहारा महसूस हो रहा है, आपको अंदर से इनलाइटमेंट हो रहा है, अंदर से ज्ञान हो रहा है, अंदर से आप प्रकाशमान हो रहे हैं, प्रकाशमय हो रहे हैं। इस चीज़ को और बढ़ाइए, ये जो इनलाइटमेंट हो रहा है ना, इसको और बढ़ाइए। तो जैसे जैसे आप इनलाइटमेंट को बढ़ाएंगे, तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे, आपका इंट्यूशन अच्छा हो जाएगा, आपका काम करने का जो तरीका है वो आप इंट्यूटिवली चलेंगे, तो दिव्य हो जाएगा, बिल्कुल दिव्य हो जाएगा, डिवाइन हो जाएगा। उसका असर क्या होगा, क्योंकि जो भी हम काम करते हैं उसका साइड इफ़ेक्ट होता है, उसका असर ये होगा, धीरे 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 लाइफ में मिरेकल होने लगेगा, चमत्कार होने लगेगा, चमत्कार होने लगेगा। और जब चमत्कार होगा, उसका भी तो कोई रिजल्ट आएगा, कि चमत्कार ही होता रहेगा। चमत्कार तो जो हो रहा हो रहा, जब आप उस चमत्कार को समझेंगे, क्योंकि चमत्कार तभी होगा जब आप चल रहे होंगे, सोए हुए तो चमत्कार होता नहीं। जब हम कार्य में होते हैं, जब हम स्वस्थ और व्यस्त होते हैं और मस्ती से काम कर रहे होते हैं, जब मिरेकल होता है, तो उसके बाद अगली स्टेज क्या आती है, कंप्लीशन, कि आप जिस मिशन में हैं, जिस आस्था को लेकर चल रहे हैं, जो आप चाहते हैं, जो चाहते हैं, जैसा चाहते हैं, वो कंप्लीशन को प्राप्त होगा, पूर्णता को प्राप्त होगा, और आपको जरूर सेटिस्फेक्शन मिलेगी, आपका मार्ग सुगम होगा, सुंदर होगा। बस आपको करना क्या है, करना ये है, ना गिल्ट महसूस करना है, ना नेगेटिविटी महसूस करनी है, अपने आप को प्रेजेंट में रखना है, पॉजिटिव रखना है, और प्रभु के चरणों में रखना है, कभी भी अपने आप को उनसे अलग नहीं महसूस करना है। तो आज की रीडिंग जितनी आपके साथ रेजोनेट की उतनी रखिएगा, जो ना करे उसे छोड़ दीजिएगा। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हरिओम, नारायण हरि।